हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छे से मस्ती कर रहे होंगे घर पे। टाइम सिचुएशन जो भी है, अच्छे से एंजॉय करो और साथ में पढ़ते रहो। सो हम क्या कर रहे थे, फिजिक्स 11th के अब तक हमने चैप्टर नंबर 4 स्टडी करा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमने बात की थी कि फोर्स क्या है, फोर्स से रिलेटेड डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बात की थी लीनियर मोमेंटम क्या है, किस तरह से ये कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, और साथ में न्यूटन्स के 3 इम्पोर्टेंट लॉज हमने पढ़े थे जो किससे रिलेट करते हैं, मोशन से रिलेट करते हैं। सो ये सब कुछ पढ़ने से हमें क्या मिला था कि जो फोर्स होता है, ये फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बेसिक था। साथ में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो लॉ है, उससे पहले जब हमने लीनियर मोमेंटम की बात की तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ने लीनियर मोमेंटम के बारे में क्या कहा कि जो फोर्स है वो इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, ठीक है। ये किसने बात की, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने बात की। तो वहां से हमें फोर्स का एक और फॉर्मूला मिल गया, डीपी अपॉन में डीटी, टी इज द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो फोर्स क्या हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल भी होता है। ये दो फॉर्मूलाज हमें मिले फोर्स के। सो इनसे रिलेटेड आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। बेसिकली 3 हमारे पास क्या है, मोशन की इक्वेशंस जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और पिछले चैप्टर में भी हमने स्टडी की थी, दैट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी। सेकेंड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एंड थर्ड इक्वेशन इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी क्या है, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशंस रिलेटेड टू मोशन। तो देखिए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे जहां पे हम इन 3 इक्वेशंस को यूज करेंगे और साथ में फोर्स के इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, जो भी टर्म गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग यूज करते चलेंगे। ऑल्सो ये तीनों आपको याद होंगे कि कौन कौन से हमने किए हैं। सो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या गिवन है, किसी पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, मास गिवन है किसका, पार्टिकल का मास है m, और वो क्या करता है, कुछ अपनी पोजीशन डिस्क्राइब करता है, पोजीशन इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट एक इक्वेशन की फॉर्म में है, दैट इज y, एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये उसने क्या दी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब कर रखी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। और हमें क्या पता है, मास की टर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए कहीं ना कहीं से। तो इक्वेशन किसकी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की। हमें पता है जब डिस्प्लेसमेंट है उससे वेलोसिटी बनाते हैं तब डेरिवेटिव करते हैं, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाते हैं तो फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को मैं 2 टाइम्स डेरिवेट कर दूं तो क्या निकल जाएगी, एक्सेलरेशन। ये चीज हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि जब भी इसमें से इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी बनाने के लिए डेरिवेट करो, ठीक है। अगेन डेरिवेट करो, किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या बचा है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, सो dy अपॉन में dt, ये होती है वेलोसिटी। इस इक्वेशन को हम डेरिवेट करते हैं टाइम के विद रिस्पेक्ट, तो यहां देखिए यहां क्या बन गया, u t की पावर क्या है हमारे पास, 1 है, तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस हाफ जी। अब t के साथ क्या है, पावर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई टी, ये बन गया, एक पावर कम हो जाती है और जब पावर में भी कम आ जाती है आगे आ जाती है। सो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बना, यू प्लस जी टी।
ये निकल गई वेलोसिटी, हमें क्या निकालनी है एक्सेलरेशन, तो एक बार फिर करेंगे सो एक्सेलरेशन क्या होती है डीवी अपॉन में डीटी, फिर से डेरिवेट करेंगे इसको, यहाँ पर टाइम है ही तो ये टर्म क्या कंसिडर होगी कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो प्लस जी टी, इसकी पावर है वन आगे आ जाएगी और पावर एक होगी तो ये क्या पावर बन जाएगी जीरो, और किसी की भी पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, ये निकल गया जी, ठीक है। सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई जी के इक्वल आ गई, एक्सेलरेशन है जी, मास हमारा एम है तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकली है जी, तो एम जी, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो आगे चलते हैं, बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर टू की। सो देखिए न्यूमेरिकल नंबर टू क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टू है अ फोर्स एक्ट्स फॉर 8 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, कोई बॉडी है जिसका मास है 10 किलोग्राम, इस पे क्या लगाया गया फोर्स और फोर्स का टाइम गिवन है कितने टाइम के लिए 8 सेकेंड के लिए, 8 सेकेंड के लिए 10 किलोग्राम की किसी बॉडी पे फोर्स लगाया गया है, द फोर्स देन स्टॉप एक्टिंग एट द बॉडी डिस्क्राइब 80 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, अब फोर्स को हटा दिया उसके बाद भी बॉडी ने क्या की डिस्प्लेसमेंट की कितनी 80 मीटर की, कितने टाइम में अगली 5 सेकेंड में, ठीक है कितने टाइम में 5 सेकेंड में अगली नेक्स्ट 5 सेकेंड ली इसने और 80 मीटर डिस्टेंस इसने क्या किया ट्रेवल कर दिया। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स निकालना है, ठीक है ये जो फोर्स हमने लगाया था इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। सो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, अगर कोई बॉडी है जब तक उस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया था तब तक बॉडी क्या थी रेस्ट में थी, और उस केस में अगर बॉडी रेस्ट में थी तो इसका मतलब यू इक्वल टू क्या हुआ जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई जीरो क्योंकि तब तक हमने फोर्स नहीं लगाया था। अब जैसे ही फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही बॉडी ने मूवमेंट कितने की 80 मीटर की, कितने टाइम में 5 सेकेंड में, तो अब यहां से इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कितनी आ गई 80 डिवाइड बाय 5, सो 5 बन जा 5 8 जा कितनी आ गई 18 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गई वी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किसके बाद जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ उसके बाद, सो यू हमारे पास है वी हमारे पास है, अब इसने क्या कहा है कि अब कैलकुलेट करना हमें फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हमारे पास गिवन है ये रहा, एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन के प्लेस पे क्या क्या है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है तो कोई ऐसी इक्वेशन देखेंगे हम जिसमें हमें एक्सेलरेशन मिल जाए u, v और t से, क्योंकि टाइम भी गिवन है ना, तो देखिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू u प्लस at, इसमें इसका भी पता है इसका भी पता है और इसका भी, यहां से हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों इक्वेशन में से जिस भी इक्वेशन की कंडीशन फुलफिल होती हो वही इक्वेशन हम अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए u की वैल्यू क्या है जीरो है, इक्वल टू v, v की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 18, सो ये हो गई 18, आई होप 18 ही निकली होगी, 16 सो v की वैल्यू है 16 प्लस a को हम रखेंगे एज इट इज क्योंकि इसको हमने क्या करना है कैलकुलेट। अब फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ था 8 सेकेंड के लिए अप्लाई हुआ था तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 8 से ये टाइम, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए आ गई 16 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल गई एक्सेलरेशन। यहाँ से आप देखिए फोर्स का फॉर्मूला पता ही है, वैल्यू पुट करेंगे मास है 10 kg और एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई टू 20, फोर्स की यूनिट क्या रहती है न्यूटन, तो क्या हो गया 20 न्यूटन, किसी बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में परफॉर्म कर दी। होप सो समझ आया होगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सिर्फ बेसिक चीज याद रखनी है कि अगर कंसेप्ट में कहीं पर भी मास गिवन है तो हम फोर्स का फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर मास नहीं गिवन कहीं पर आपका लीनियर मोमेंटम गिवन है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के चलेंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज ऐसी है जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं गिवन है, लेकिन इनिशियल फाइनल कोई वेलोसिटी गिवन है, तो फिर हम देखेंगे कि या तो हम डेरिवेटिव फॉर्म, अगर कोई इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वगैरह तो डेरिवेट करके निकाल लेंगे, और अगर डायरेक्ट गिवन है तो फिर हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन में पुट करें जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो गए, वो जो चीज हमें चाहिए वो निकल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्स अपॉन ए बॉडी, एक फोर्स गिवन है किसी बॉडी के ऊपर और फोर्स की वैल्यू क्या है 0.04 न्यूटन, इतना फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। एज ए रिजल्ट जिस फोर्स की वजह से द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम 0.30 मीटर पर सेकेंड टू 0.10 मीटर पर सेकेंड, उसकी वजह से क्या हुआ बॉडी की स्पीड में चेंज आ गया, मतलब पहले जो स्पीड थी वो 0.30 मीटर पर सेकेंड थी, अब क्या हो गई वही 0.10 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब कम हो गई, एक ऑपोजिट फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से क्या हो गई स्पीड कम हो गई है। इन पासिंग थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 1 किलोग्राम, तो हमें बताना है कि ये स्पीड से इतनी स्पीड पे आते हुए बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जबकि बॉडी का मास क्या है 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है डिस्टेंस कितना, तो देखिए यहां से फोर्स गिवन है तो फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, मास भी गिवन है तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से देखिए फोर्स गिवन है 0.04, मास कितना है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन नहीं पता, तो यहां से क्या निकल करेंगे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आ रही है हमारे पास 0.04, ये एक्सेलरेशन है। बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखेंगे यहां से, स्पीड पहले की ज्यादा अब हो गई है कम, तो इसका मतलब क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, ठीक है। स्पीड कम हुई है तो यहाँ पे साइन लगा देंगे माइनस का, क्या हुआ है रिटार्डेशन हुई है, स्पीड कम हुई है। तो अब देखिए कि क्या क्या चीज है हमारे पास, वी है, यू है, एक्सेलरेशन हमने निकाल ली, क्या निकालना है सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे डिस्टेंस निकाले और ये तीनों चीज भी यूज में आए, तो तीनों इक्वेशंस में से इक्वेशंस देखिए कौन सी थी हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें कहीं पर भी टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास गिवन नहीं था, इसलिए हमने बाकी दो इक्वेशन को नेग्लेक्ट किया और जिस इक्वेशन में टाइम नहीं था वो वाली उठाए क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। तो वी स्क्वायर मतलब 0.10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 0.30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है माइनस 0.04 इंटू एस, एस मतलब डिस्टेंस ये निकालना ही है। ऑप्सो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप यहां से डिस्टेंस को इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल, आगे चलेंगे और बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है ए कार ऑफ मास 1000 केजी, किसी कार का मास गिवन है और मास कितना है 1000 केजी, इतनी हैवी है कोई कार, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। अब देखिए ये वेलोसिटी हमारी क्या होगी, हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे, क्यों क्योंकि वो चल रही है तो उसने रुकने की तो बात की नहीं ना, एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, और ये किसके साथ चल रही है किसके ऊपर आगे की तरफ ऐसे आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगा है जो कितना है 1000 न्यूटन का, जो इसको आगे बढ़ा रहा है इस स्पीड के साथ। ड्यू टू इंजन, एक इंजन ये फोर्स लगा रहा है, एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन,
अब ये फोर्स तो लगा इंजन से जिसकी वजह से कार जा रही है आगे। अब ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब वो जिस सरफेस पे चल रही है वो सरफेस उसको एक ऑपोजिट फोर्स दे रहा पीछे की तरफ, और ये फोर्स कितना है 500 न्यूटन का। मतलब दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो नेट फोर्स बताइए अभी, ठीक है, ये तो फोर्स एफ वन मान लिया, ये एफ टू, तो हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, ये आगे की तरफ ये पीछे की तरफ, तो क्या हो गया, माइनस हो गया 1000 माइनस 500 न्यूटन, मतलब 500 न्यूटन फोर्स की वजह से वो क्या कर रही है, आगे चल रही है, ठीक है। तो इस फोर्स को यूज करेंगे हम जो नेट फोर्स है। आगे चलिए, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, हमें क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होगी उसकी 10 सेकंड के बाद। इन दोनों को हटा दो क्योंकि इन दो फोर्सेस की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इनसे नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो फोर्स गिवन है ना, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास है बॉडी का 1000, एक्सेलरेशन नहीं पता बट फोर्स पता है, ये कितना है 500 न्यूटन। सो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 500 डिवाइड बाय 1000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या आ गया 1/2, 1/2 इन द सेंस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल गई, एक्सेलरेशन निकल गई फोर्स के फॉर्मूले से। अब वो क्या कह रहा था, 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी गेन करेगी, टाइम गेन था हमें, ठीक है, 10 सेकंड में। अब 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये चीज बताएंगे। पहले वो इससे चल रही है, 10 सेकंड के बाद वो 20 वेलोसिटी से चलेगी। तो ये देखो, अब देखिए टाइम है, यू की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ये तीन चीजों से हमारे पास ये निकल जाए, ऐसी इक्वेशन बोलते हैं। तो हमें क्या पता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। ए की वैल्यू क्या है 0.5, टाइम कितना है 10 सेकंड, प्लस में यू, यू की वैल्यू क्या है 10, इज इक्वल टू वी। आई होप यहां से आप वी को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया, वी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड के साथ वो क्या करेगी, बॉडी आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। अब सर यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इस वाले फोर्स के फॉर्मूले से, जो किससे रिलेट कर रहा है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेट कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बलून हैज ए मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, कोई बलून है और उसका मास क्या है 10 ग्राम, किसमें, एयर में, ठीक है। अब पहली चीज तो ये चीज याद रखनी, ये ग्राम में गिवन है, अगर जरूरत पड़ी तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बट पहले देखते हैं बाकी टर्म्स किसमें गिवन है। द एयर एस्केप्स फ्रॉम द बलून, अब क्या हुआ, एयर निकाल दी बलून में से एट ए यूनिफॉर्म रेट विद वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हवा निकाल रहे हैं कितनी स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है, इतनी स्पीड से हवा बाहर आ गई है। एंड द बलून श्रिंक कम्प्लीटली, अब क्या हुआ, जब गुब्बारे से हवा बाहर आई तो क्या हुआ, श्रिंक होना शुरू हो गया, और उसने श्रिंक होने में कितना टाइम लिया, टी इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड में क्या हो गया, बलून बिल्कुल श्रिंक हो चुका है। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स उस पर लगा जिसकी वजह से इतनी स्पीड से हवा बाहर आने की वजह से वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया इतने टाइम पे, ठीक है। तो यहां से देखिए गिवन क्या क्या है, मास गिवन है, सेकंड वेलोसिटी गिवन है, और जो कुछ गिवन है नहीं हमारे पास, लेकिन हमें एक चीज पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सेकंड फोर्स क्या होता है हमारे पास, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। लेकिन यहां से अगर मैं क्या करूं, इसको ग्राम सेकंड्स में निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकती हूं। सो देखिए सेकंड फॉर्मूला फोर्स का क्या है, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन में डीटी, एंड टी इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इस वैल्यू को यहां पुट करते थे क्या हो गया, एम वी डी एम अपॉन में डी टी मल्टीप्लाई वी, सो एफ इज इक्वल टू डी एम, एम क्या है मास, मास कितना है बॉडी का 10, अपॉन में टी कितना है 2.5, मल्टीप्लाई में क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 5,
ठीक है, यहाँ से देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, 10 ऊपर ले जाए 25 हो गया, 5 बन जा 5 5 जा 5 बन जा 5 2 जा, सो 10 2 जा 20, क्या आ रहा है हमारे पास फोर्स 20 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन फोर्स लगा, सॉरी न्यूटन नहीं होगा। अब देखिए न्यूटन क्यों नहीं होगा, उसकी रीजन देखिए, ये चीज क्या है ग्राम में है, ये किसमें है सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में, कोई भी सिस्टम हो सब में सेकंड में रहता है, तो ये किसमें आएगा डाइम में, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब सीजीएस सिस्टम नजर आ रहा है, और एज पर द सीजीएस सिस्टम ये क्या होती है हमें पता है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइम, सो ये किसमें आ गया हमारा डाइम में आ गया। इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से हो जाए कि फोर्स के इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम कोई भी न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। देखिए क्या है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बस है जो स्टेशन से स्टार्ट हुई, स्टार्ट वर्ड लगाते ही मतलब पहले खड़ी थी, रेस्ट पे थी, तो पहले रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी उस टाइम पे, जीरो। जब वो रेस्ट पे थी मतलब स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब पहले खड़ी थी कहीं पे, रेस्ट में थी तो यू क्या हो गई जीरो, रेस्ट वर्ड या स्टार्ट वर्ड आते यू इज इक्वल टू जीरो कर दिया था। अब वो चल रही है कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सलरेट की है, ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी यू वैल्यू के साथ उसको क्या किया गया है एक्सलरेट किया है, और कितने टाइम में 10 सेकंड में, ठीक है उसको एक्सेलरेट कर दिया, कितने टाइम लिया 10 सेकंड। अब क्या निकालना है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस। अब जो कोई भी बंदा बस की खिड़की में बैठा था उसने क्या किया, खिड़की से एक स्टोन नीचे की तरफ फेंका, और खिड़की से जो उसने स्टोन फेंका है वो उसने कितने उस पर फेंका है 2 मीटर हाइट से, मतलब हाइट है उस स्टोन जो उसने गिराया वो 2 मीटर की हाइट से गिराया है खिड़की से, ठीक है। अब जब ये स्टोन गिराया है तो उसके बाद उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट 10.2 सेकंड। क्या कहता है कि 10.2 सेकंड के बाद पर ये जो टाइम है, इतने टाइम पर ये जो स्टोन गिराया, इस स्टोन की कितनी तो वेलोसिटी होगी और साथ में इसकी क्या बता रहे हैं, क्या इसकी एक्सेलरेशन रहेगी। ये तो बस की कंडीशन थी, बस की वेलोसिटी थी, बस की एक्सेलरेशन थी, ये कंडीशन और ये बस का टाइम था। ये कंडीशन है स्टोन की, स्टोन इतनी हाइट से गिराया है, इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। सो देखिए हमें क्या पता, पहले बस वाले की सिचुएशन देखते हैं, बस में यू भी गिवन है, ए भी गिवन है और टी भी गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, बस की फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि बस किस वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है बस की स्पीड निकाल दें वी, जिस स्पीड से बस चल रही है तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू क्या है जीरो, ए की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई टी क्या है 10, तो क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रही है बस चल रही है, जो इनिशियल कंडीशन उसकी ये वाली थी। तो जब हमें ये पता है कि बस 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है तो अब कैलकुलेट क्या करना है, स्टोन कैसे गिरा होगा हॉरिजॉन्टली, क्यों गया होगा हॉरिजॉन्टली, जैसे हमने इसको छोड़ा वो वर्टिकली क्यों नहीं गया, क्योंकि बस आगे चल रही है तो स्टोन कैसे गया होगा ऐसे पीछे की तरफ, इस तरीके से गया होगा, छोड़ते ही स्टोन क्या रह गया ऐसे पीछे रह गया होगा, ठीक है तो क्या इसकी डिस्टेंस ट्रेवल हुई हॉरिजॉन्टल। इसको मैं यहां लिख देती हूँ कि वेलोसिटी कितनी आ गई बस की 40 मीटर पर सेकंड आ गई है। अब स्टोन की कंडीशन देख लो, हाइट मतलब उसका डिस्टेंस ही तो गिवन था, ठीक है तो उसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है उसका 2 मीटर का, ठीक है मतलब 2 मीटर हाइट से उसको गिराया गया है। अब यू क्या है, जब हमने स्टोन को एकदम से हाथ में लिया होगा तभी छोटा होगा ना, तो जब हमने उसको हाथ में पकड़े हुए थे हम उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी, जीरो थी। अभी स्टोन जब तक हमारे हाथ में था तब तक हमने नहीं गिराया तो क्या था, रेस्ट में था, यू जीरो हुआ। जैसे उसको छोटा तो उसने वी वेलोसिटी गेन की, किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है तो अब एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन क्या होगी जी, एक्सेलरेशन कहां गिरा रहे हैं उसको, नीचे ऐसे
डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड छोड़े तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी, जिसको मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? आप चाहो तो 9.8 ले लो, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। ठीक है, तो इतने टाइम में अब देखिए, बस को इतने टाइम में इतनी स्पीड पकड़ गई 40 मीटर पर सेकंड की, स्टोन ने कितना टाइम लिया 10.2, दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना आया है 0.2 का। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस क्या है, 0.2 टाइम का डिफरेंस है। तो वेलोसिटी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, यू गिवन है इसका, यू के साथ साथ इसका टाइम, वो तो बस का टाइम है ना, तो ये तो बैलेंस हो गया बस के टाइम के साथ, बचा एक्स्ट्रा टाइम क्या है 0.2, तो स्टोन का अकेले का टाइम ये वाला है। तो टाइम है, यू है, जी है, वी निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। अब यहाँ ए की जगह पे क्या लिख दोगे, जी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसके थ्रू लगी है, ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ से देखिए स्टोन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यू 0 प्लस जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई टी क्या है 0.2, पॉइंट का तो डिवाइड में क्या गया 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या गई 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, स्टोन जमीन पे गिर रहा है और कैसे हॉरिजॉन्टली गिर रहा है। आई होप ये सब न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आप खुद ट्राई करना। अगर फिर भी किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।